SB737, वाह क्या बंदा है यार। मतलब क्राफ्टिंग टेबल बैंड चैलेंज या फिर कोई भी चैलेंज क्यों ना हो यार, ये क्या, रुको एक मिनट। बीटिंग माइनक्राफ्ट विथ हाफ ए हार्ट, वो भी हार्डकोर में। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, नहीं, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। वैसे क्या ये इंडियन कम्युनिटी में ये चैलेंज मतलब किया है किसी ने? देखते हैं, रुको। सब कुछ यार पार्कोर चैलेंज जैसे, किसी ने सर्वाइवल चैलेंज नहीं किया। रुको इसने किया है 100 डेज वाला, पर ये यार मतलब एपिसोड टाइप नहीं है, मतलब लगभग किसी ने भी नहीं किया। रुको जरा, सबर करो। तो भाई मैंने सोच लिया है कि मैं भी हाफ आवर चैलेंज करूंगा और वो भी सर्वाइवल में, क्योंकि यार मुझे लगता है यूट्यूब पे इस वीडियो की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इंडियन कम्युनिटी की तरफ से ऐसा कोई भी वीडियो नहीं है। तो भाई मैंने इधर वर्ल्ड शुरू कर दिया है और इधर हमारा सिर्फ हाफ फेल थे। भाई साहब अभी मैं मर जाता यार। ध्यान से यार, तुम्हारे पास सिर्फ हाफ फेल थे यार, अभी मर जाता मैं। चलो इसे यहाँ से पहले बाहर निकलते। रुको स्पॉन पे ही विलेज, ओ माय गॉड। मतलब यार मुझे इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी यार, सच में। मतलब यार अब और सीड भी मैंने यार कुछ भी मैंने टाइप नहीं किया, एकदम रैंडम है यार, मैंने सच कह रहा हूँ। अच्छा है हमको एक स्पॉन पे विलेज मिल गए हैं, तब यही अभी विलेज में ब्लैक स्मिथ का घर लूट ले लेते हैं। ओ माय गॉड ओपी लूट है यार, पिकैक्स आयरन इंगट और ब्रेड्स, यही तो चाहिए था मुझे। वैसे खाने का कुछ ज़्यादा जुगाड़ करने का काम नहीं है, क्योंकि यार वैसे भी हाफ हेल्थी हैं, मुझे सिर्फ थोड़ा सा खाना ही चाहिए ताकि मैं मेरा फुट बार भर के रखूँ, ताकि फास्ट भाग पाऊँ यार। रुको यार ये तो जॉम्बी विलेज है, यहाँ से पहले फटनेस उठा लेते हैं। यार ये जॉम्बी विलेज है यार, मैं ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो मैं अभी मर जाऊँगा। अरे यार ये कुत्ता ना मार दे मुझे कहीं, ये भाग के आ रहा है, मुझे डर लग रहा है कहीं कहीं कुत्ता ना मार दे मुझे। कुछ भी अब तुम बताओ यार, हाफ आटे तो मुझे बहुत चिंता है यार। मतलब अगर मैंने छोटी सी भी गलती कर दी, मेरे पास अगर डायमंड हो, नेदराइट आर्मर हो, छोटी सी भी डैमेज, छोटी सी भी गलती मुझे मार सकती है, तो मुझे काफ़ी सेफ्टी लेनी पड़ेगी इस चीज़ की। तो भाई मैंने एक क्राफ्टिंग टेबल बना दी है और हम सबसे पहले बनाएंगे एक आयरन स्वॉर्ड, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अच्छा हमको सिखा रही है, और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हें पता है क्या है? एक शील्ड। इस हाफ आर्ट के टाइम में मुझे शील्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस लगती है, क्योंकि शील्ड मुझे सभी अटैक से बचाएगी, चाहे वो एंडरमैन हो, क्रीपर हो, स्केल्टन हो, जॉम्बी हो, सबसे बचाएगी, इसलिए शील्ड इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो अभी इधर क्राफ्टिंग टेबल को तोड़ लेते हैं। तो भाई मैं इधर बेड लेने आया हूँ और अंदर यार एक जॉम्बी विलेजर है। रुको यार मुझे मारना पड़ेगा इसको, तो इसको मारते हैं अपने शील्ड को। अच्छा है कि ये वेब में था, वरना ये मुझे मार देता। और इधर पीछे सबसे पहले ब्लॉक करने दो, क्योंकि यार पीछे से अगर कोई आ गया तो थप्पा कर देगा मेरे को, और मुझे टाइम भी नहीं मिलेगा बचने के लिए। तो अपने इधर बेड ले लिया है, और भाई अब इधर से हमें जल्दी से निकलना पड़ेगा। तो हुआ यूँ है कि हमें घर बनाने के लिए काफ़ी सारा वुड चाहिए, तो इसलिए मैं वुड तोड़ने आ गया हूँ इधर, और हम काफ़ी सारा वुड लेके ही जाएंगे। तो इधर जो है माइनक्राफ्ट में रात होने को आ गई है, और हम डट लगाना पड़ेगा ताकि कोई मॉन्स्टर्स ना आ जाए, और अभी हम सो जाते हैं। तो ये हमारी सबसे पहली रात हो गई माइनक्राफ्ट के नए वर्ल्ड में। तो अभी सबसे पहले बाहर जाते हैं कि एक खिल खिल जाती सुबह। मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई कोई जॉम्बिस ना हो बाहर यार, क्योंकि मुझे थोड़ा सर्वाइव करना है इस वर्ल्ड में। तो भाई मैं जो है इधर स्टोन तोड़ने आ गया हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी सारा कवर स्टोन चाहिए। तो कि भाई साहब अभी मैं गिर जाता यार। रुको यार विलेजर की आवाज़ आई, तो मुझे अभी यार इधर से भागना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एक विच की आवाज़ आ रही थी। तो भाई मैंने जो इधर घर बनाना शुरू कर दिया है, तो यार इधर फ्लावर को तोड़ते हैं भाई, मुझे काफ़ी सेफ्टी लेनी पड़ रही है। मैं जो है अभी ओ क्लॉक्स भी लगाने के लिए मुझे डट का टावर बनाना पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैं ऊपर से कूदूंगा तो मैं पक्का मर जाऊंगा। तो अभी मैं डट लगा के वापस तोड़ रहा हूँ, ताकि यार मैं नीचे आ सकूँ। तो भाई रात होने के वाली है और मुझे सोना पड़ेगा यार, तो बेड लगा दिया है। अरे भाई सो जा यार सो जा। अच्छा हुआ सो गया।
हमारा जो है घर इतना बन के तैयार है, सिर्फ रूफ का काम बाकी है। और अगर आपको घर के घर बनाने की टिप्स चाहिए तो भाई मैंने एक वीडियो बना के रखा है, आप जाके देख सकते हैं, आई पे रिकमेंड हो रहा होगा। तो इधर सिचुएशन ऐसी हो गई है कि भाई मैं इधर से जंप करना चाहिए कि नहीं वो पता नहीं चल रहा, तो मैं दूसरे वर्ल्ड में जाके टेस्ट करके आता हूँ। तो भाई दूसरे वर्ल्ड में तो जंप मार सकते हैं पर मेरे दिल नहीं मान रहा है कि जंप मारना चाहिए, तो मैं इस तरफ से जाऊँगा और डर तोड़ के चला जाऊँगा भाई। तो भाई मैं इधर आयरन तोड़ रहा था और एंडरमैन आके मुझे तंग कर रहा है, तो आयरन तोड़ने दो प्लीज़ यार। अरे यार एंडरमैन प्लीज़ यार, प्लीज़ प्लीज़ आयरन तोड़ने दे दो। अरे भाई साहब शर्म नहीं आती इस एंडरमैन को, साले ऐसे कैसे आ जाता है यार, डर जाता है। फिर इधर से बाहर निकलते हैं। इस एंडरमैन ने अगर एक शॉट भी मारा होता मुझे तो मैं तो खत्म। तो मैं जो है इधर आयरन तोड़ने वापस आ गया हूँ। मुझे पता है भाई कि एंडरमैन ने पिछली बार हमला किया था, वरना तेरे को डर नहीं लगता, पर फिर भी आ गया हूँ। तो अभी आयरन तोड़ लेते हैं। तो अभी आए हैं तो हम कोल भी तोड़ के ही जाएंगे ताकि वापस ना आना पड़े यार, मैं पूरा रिस्क एक साथ ही लेना चाहूँगा। तो मैं जो वापस घर जा रहा था पर मैंने सोचा कि ब्लैक स्मिथ का घर लूट लेते हैं। तो ब्लैक स्मिथ के घर के अंदर क्या है, टू डायमंड और काफ़ी सारे एप्पल्स भी मिल गए हैं और ऑब्सीडियन भी मिल गए हैं और आयरन पिकैक्स और आयरन हॉर्स आर्मर। अच्छा लूट है भाई सच में। तो लगता है भाई इधर एक और ब्लैक स्मिथ का घर है। यार कितने ब्लैक स्मिथ के घर है यार इस विलेज में, इसके अंदर जाके देखते हैं क्या है। तो चेस्ट के अंदर क्या है देखते हैं, एक और डायमंड भाई साहब, आयरन इंगट, आयरन स्वॉर्ड और हेलमेट एंड थोड़ी ब्रेड्स। पर यार मेरे तीन डायमंड्स मिल गए, मतलब अभी मैं पिकेक्स या फिर स्वॉर्ड बना सकता हूँ। तो दोस्तों आप बताना कमेंट्स में कि मैं क्या बनाना, मुझे क्या बनानी चाहिए, डायमंड पिकेक्स या फिर डायमंड स्वॉर्ड। तो भाई मैं इधर सैंड तोड़ने आया था पर यार इधर जोर से बारिश होने लग गई और ऊपर से यार ये भयंकर गाना, ये थोड़ा हॉरर फिल्म चल रही है यार, ये हॉरर गाना बजा रहे हैं सर, ऊपर से हाफ आर्ट और ये गाना बजा रहे हैं, डर लग रहा है भाई मुझे। भाई भाई फटाफट सैंड तोड़ के घर जाऊँगा यार सीधा, क्योंकि मुझे लगता है 1.17 में थंडर स्टॉर्म्स भी पड़ते हैं, मतलब जिससे हमारी मौत हो सकती है। तो भाई मैंने इधर रेड कलर के ग्लासेस बना लिए हैं और इनको डालता हूँ और देख सकते हैं। मेरी किस्मत इतनी ख़राब है कि मुझे सिर्फ एक ही चाहिए था और अभी मुझे इस एक ग्लास के लिए मुझे 8 बनाने पड़ेंगे एक साथ, क्योंकि एक तो बनता है नहीं और इसलिए मुझे 8 ग्लासेस बनाने पड़ेंगे, इसलिए वापस से हैंड तोड़ने जाना पड़ेगा, पूरा झंझट मारी है सर। तो अभी जो मैंने एक वाटर बकेट क्राफ्ट कर ली, इससे क्या होगा कि भाई मैं जब भी चाहूँ ऊपर से कूद सकता हूँ, ऐसे MLG करना, मतलब MLG तो नहीं होगी पर ये ज़्यादा सेफ मेथड है, ऐसे वाटर बकेट लगाने से भाई मुझे करीब डैमेज नहीं पड़ेगा। तो हमने जो है इधर एक वीट का फार्म शुरू कर दिया है। एक्चुअली मुझे वीट की ज़रूरत नहीं है, पर मुझे वीट का मतलब नहीं, मुझे वीट सीड्स से मतलब है, वीट सीड्स का एक काम है क्योंकि मैं चिकन्स को ब्रीड कराने वाला हूँ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो फाइनली एक रिलैक्सिंग सी शाम, और भाई शाम हो गई है तो भी रात भी हो जाएगी तो मुझे सोना पड़ेगा, सो गए। और अभी सुबह होते ही भाई मैं सबसे पहले ये लेके आ गया हूँ चिकन्स को, क्योंकि मुझे इनको ब्रीड कराना है और फिर उनसे मुझे मिलेगा फेदर और फेदर से बनेगा एरोस, और एरोस से मैं जो है किसी को किसी भी एनिमी को मतलब दूर से मार सकता हूँ, जैसे स्केलेटन्स हो उनको मार सकता हूँ। तो अभी इनको ब्रीड करा लेते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो फाइनली जो है मेरा घर इतना बन के कुछ तैयार हो गया है, मतलब एक घर बन गया है, एक चिकन फार्म और भाई एक थोड़ा स्वीट फार्म और ट्रेडर भी दिख रहे होंगे, तो मतलब काफी कुछ प्रोग्रेस कर लिया है।